सुप्रभात क्लास 8। आप लोगों की पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था 3, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कि मैं हमने आप पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कहाँ से हुआ था, उसका क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान भारत की बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़ा। तो आइए अब उससे आगे हम आगे चर्चा करते हैं आर्यों का आना। जब लोग आर्य आए थे भारत में तब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। इसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए हुए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी, यानी कि कुछ लोग आए भी होंगे तो ये जो हमारी जो घटना है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घट चुकी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर निवासियों को मजबूर होकर पुरानी नियमों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। यानी कि जो वो थी सिंधु घाटी की, सब लोगों का कहना है, उनका मानना है, जैसे लोग अपने अपने विचार रखते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखते हैं, उसी तरह सिंधु घाटी के बारे में विचार रखे जा रहे थे कि हो सकता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई हो, उसमें सब कुछ अपने साथ बहा ले गई हो, मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखने लगी हो। ये अनेक तरह के विचार लोग अपने मन में निकालने लगे जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर निवासियों को मजबूर होकर पुराने नियमों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले गए मकान कुछ 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का मजबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारों में ऊंचाई उठाई गई है। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। सूबा यानी कि जो इलाका था वो बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान में बदल गई। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों के उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास कोई पर्याप्त आंकड़े यानी कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्होंने ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए, टुकड़े हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह घटना इस बात का भी अचूक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गोकी नागर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हरी पक्ष पर जोर शायद उन नवांगतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए थे, यानी कि जो लोग आर्य थे वो पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आ चुके थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ है। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिम उत्तर दिशा से भारत में एक कबीले और जातियों के समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल भारत से आने वाली आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे।
इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सबने अपना अपना प्रभाव डाला, फिर यहीं घुल मुल कर रहने लगे, यानी कि भारत में ही अपना उन्होंने अस्तित्व, यानी कि भारत में ही अपना रहने का स्थान यहाँ पर बना लिया। अब हम पढ़ते हैं प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण, यानी कि प्राचीन अभिलेख क्या है, धर्म ग्रंथों में क्या है और पुराणों में क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। यानी कि जो हमारे विद्वान थे वो ऋग्वेद की रचनाओं की का समय, यानी कि जो ऋग्वेद की जो हमारी शाखा है उनका समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और भी पुराना साबित करने की प्रवृत्ति, यानी कि उनकी आदत बन गई। वस्तुतः यह है हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा, यानी कि मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मानव के द्वारा यह कहा गया पहला शब्द है। भारत की समृद्ध भूमि में प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। यानी कि जो आर्य आए थे भारत में वो अपने साथ भारत की समृद्ध भूमि पर, यानी कि जो हमारी भारत की भूमि थी वो बहुत समृद्ध थी, और उसमें प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के, यानी कि जो जिस कुल के थे उसी विचारों को लेकर यहाँ आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया, यानी कि जो आर्य अपने साथ जो संस्कृति जो विचार लेकर आए थे उन्हीं का ही उन्होंने यहाँ पर भारत में आकर प्रचार प्रसार किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है आप लोगों को। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी और आप लोग इसको पसंद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।